2019 के लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान कर सवर्ण समाज के वोट बैंक को साधने का काम किया है। दरअसल सोमवार को ही कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने सवर्ण समाज के लोगों के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके साथ मोदी सरकार ने कुछ शर्तों को भी रख दिया है। आपको बता दें कि शर्तों के अनुसार यह आरक्षण उन्हीं सवर्णों को मिल सकेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। माना जा रहा है कि मंगलवार को मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। आपको बता दें कि मंगलवार को ही संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। जिस व्यक्ति के पास तय सीमा से अधिक संपत्ति होगी उसे संशोधन का लाभ नहीं मिल पाएगा। गौर हो कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए SC/ST वर्ग को आरक्षण में संशोधन किया था, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार सवर्ण समाज के निशाने पर आ गई थी। फिलहाल सरकार इसके लिए जल्द ही संविधान में बदलाव करेगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा। दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। बहरहाल केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सवर्ण समाज के लिए दिए गए 10% आरक्षण से कहीं न कहीं रूठे हुए सवर्ण समाज को मनाने की ओर एक कदम है। देखना होगा कि मोदी सरकार के इस कदम से 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी को कितना फायदा मिलता है। storyhowhindi.com हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।